नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक बच्चन की कल रिलीज हुई फिल्म बॉब विश्वास की। दोस्तों बॉब विश्वास कल G5 पर रिलीज हुई थी और दोस्तों फिल्म के जो रिएक्शंस है वो आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों ज़्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी है तथा फिल्म की काफ़ी तारीफ की है। साथ ही दोस्तों कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने फिल्म को एवरेज बताया है। वहीं दोस्तों कुछ क्रिटिक्स को ये फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं आई है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक दर्शकों की बात करें, दर्शकों के रिव्यूज और उनके रिस्पॉन्स और उनके कमेंट्स की बात करें, तो दोस्तों इस फिल्म को काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे दर्शकों की तरफ से रिव्यूज मिल रहे हैं। दोस्तों जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस बात पर सभी क्रिटिक्स तथा समालोचक और साथ ही दोस्तों जितने भी ये जो फिल्म समीक्षा करते हैं वो सब इस बात पे सहमत है कि अभिषेक बच्चन ने माइंड ब्लोइंग अभिनय किया है। माइंड ब्लोइंग मतलब गजब अभिनय किया है, बहुत ही शानदार उन्होंने बॉब विश्वास के रोल को प्ले किया है। और दोस्तों उनका ये भी मानना है कि अगर अभिषेक बच्चन को चांसेस दिया जाए, एक अच्छी स्क्रिप्ट दी जाए, तो वो कमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब ये फिल्म कितने में G5 ने खरीदी है इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। और दोस्तों इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन क्या रहा है OTT पर, इसकी जानकारी भी अभी नहीं मिल पाई है। जैसे ये जानकारी मेरे को मिलती है मैं आपको अपने चैनल पर जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों फिल्म की IMDb रेटिंग की अपन बात करें तो इसको 7.8 IMDb रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। दोस्तों अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर कैसा रिस्पॉन्स करती है तथा अभिषेक बच्चन की पिछली फिल्मों से और आगे निकल पाती है या नहीं। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि फिल्म ज़्यादातर दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है और अभिषेक बच्चन का अभिनय भी बहुत ही ज़्यादा उनको प्रभावित कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों सलमान खान की फिल्म अंतिम बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई है तो आप जानते ही है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को भी IMDb रेटिंग 7.8 मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है तथा ये सलमान खान की फिल्मों को अब तक की सबसे हाईएस्ट IMDb रेटिंग है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना को 7.8 IMDb रेटिंग मिली थी। तो दोस्तों सलमान खान के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि उनकी फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन फिल्म को IMDb रेटिंग अच्छी मिल गई है। दोस्तों बात करें एक और खबर की, तो दोस्तों बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को कल शुक्रवार को किसानों की भीड़ ने पंजाब में घेर लिया। दोस्तों दरअसल हुआ यूँ था कि कंगना रनौत मनाली से कार से सड़क रास्ते से निकली थी, तो रास्ते में किसानों को जब पता चला कि कंगना रनौत इधर से आ रही है तो उनकी कार को घेर लिया गया। दरअसल किसान ने कंगना रनौत द्वारा किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताए जाने से नाराज थे और वे कंगना की कार को घेर करके खड़े हो गए और कंगना से माफी मांगने की बात करने लगे। दोस्तों ये सब तब हुआ जबकि कंगना की कार के आगे उनके सिक्योरिटी वाहन थे तथा पंजाब पुलिस की गाड़ी भी थी। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से कंगना को भीड़ से सुरक्षित निकाला गया। बाद में दोस्तों कंगना ने एक वीडियो शेयर करके कहा भी कि मैं सुरक्षित रूप से वहां से निकल गई हूँ। लेकिन साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि मेरे साथ मॉब लिंचिंग हो सकती थी। पुलिस के होने के बावजूद, सिक्योरिटी वाहन के होने के बावजूद, उनकी गाड़ी को जिस प्रकार से रोका गया, उनके साथ बेइज्जती की गई, उनको गालियां दी गई, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं ना तो कोई राजनेता हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, तो फिर मुझे इस तरह से रोककर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना कहाँ तक उचित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये सब जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।